केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र की इस योजना से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। सागर में योजना का किस तरह क्रियान्वयन हुआ है, आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत देश के किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किश्तों का भुगतान किया जाता है, जिससे किसान भाई कृषि उपकरणों, बीज, खाद आदि खरीद पाते हैं और अपनी खेती को नया आयाम दे पाते हैं। 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई इस योजना के तहत बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में हजारों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि पहुँच चुकी है। या किसान सम्मान निधि योजना जो है मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है। ये में 6,000 रुपया किसान के खाते में हमारों के में आए हैं। अब उपयोग ऐसा है कि हमारों ने कछु खेती में भी खाद बीज को छोट गए, तो खाद बीज भी लाए। छोटे छोटे हमारे किसान हैं, ज़्यादा बड़े किसान हैं नहीं है। सो हर प्रकार से काम में आ रहा है। कछु आदमी को तकलीफ है तो वो में भी आदमी उपयोग कर रहा है, जैसे हम ही को कछु दवाई में भी लगा लाए, कछु अपनी खेती में भी लगा लाए। मतलब बहुत बढ़िया योजना है। मोदी जी से एक अपेक्षा और हमारे चाहते हैं कि ये निधि को थोड़ा और बढ़ा जाए, ताकि हमारों को थोड़ी सी सुविधा और हो जाए किसानों को। बहुत बढ़िया योजना है। जब गया कछु खेती में ले लिए तो अपन कछु दुख तकलीफ अगर को है तो वो में भी काम में आ जाए पैसा। और अपन चाहते हैं कछु अगर मोदी जी चाहें तो और भी दे सकते हैं। बुंदेलखंड अंचल के सीमांत किसानों के लिए इस योजना का काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। छोटे किसान इस राशि की मदद से कृषि कार्यों के साथ अपनी कुछ अन्य जरूरतें भी पूरी कर पाते हैं। वहीं कृषि उपकरणों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदारी कर किसानों ने अपनी कृषि उपज में भी वृद्धि की है। सागर जिले के कई गांवों के किसानों ने अनाज, फल और सब्जियों की खेती कर अपनी आय बढ़ाई है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना का खासा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी से जे है कि जे थोड़ी बहुत राशि और बढ़ाई जाए इसमें, और इससे काफी लाभ है किसानों के लाने। जैसे अपने खाद बीज डीजल वगैरह के लाने थोड़ी सी सहूलियत मिल जाते है अपने लाने। किस्त आई हम लोगों के लिए 2,000 रुपया, जो प्रधानमंत्री ने जो 6,000 रुपये साल के डालना है के लिए, बहुत उपयोगी हम लोगों के लिए। हम लोग देख तो इसमें खाद बीज खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं। इसमें हम लोग गरीब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जो किसानों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में असरकारी सिद्ध हुए हैं। किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन और इसका दायरा बढ़ाए जाने के बाद कई किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ अंकुर जैन, DD News भोपाल।